शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। देगरस में जारी कर्फ्यू का आज दूसरा दिन था, जो हर तरफ पसरे सन्नाटे और बारिश के साथ ही कोरोना मरीजों की कुल संख्या में आई गिरावट के नाम रहा। सूत्रों के अनुसार शहर के गुरुवार को जहां 8 कोरोना मरीज के मामले सामने आए, वही 24 लोग पॉजिटिव आने से निगेटिव होने की भी खबर है। अब देगरस तहसील में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 36 पर आ रुका है। शहर में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक घोषित जनता कर्फ्यू का असर रंग लाता दिख रहा है। बुधवार को जहां देगरस तहसील में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 52 पर पहुंची थी, वही अब 36 पर आ गई है। हालांकि गुरुवार को कोरोना के 8 मरीजों के मामले उजागर हुए, वही सूत्रों की माने तो 24 कोरोना मरीजों ने पॉजिटिव से निगेटिव में तब्दील होकर घर वापसी की है, जिसमें 20 लोग काजीपुरा परिसर से है तो 12 बाई मोहल्ले से 3 और 1 विट्ठल नगर से है। घर वापसी किए हुए लोगों को काजीपुरा परिसर के लोगों ने फूल बरसा कर स्वागत किया है। वही सूत्रों के अनुसार दिग्रस पुसद रोड पर ईसापुर ग्राम के पास स्थित कोविड केयर सेंटर में फिलहाल लगभग 150 लोग डॉक्टरों की निगरानी में है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद शहर में बुधवार से शुरू हुए कर्फ्यू का आज दूसरा दिन था। आज भी हर गली, रास्ते और चौक चौराहों के माथे पर सन्नाटे की लकीरें साफ नजर आ रही थी। ऐसे में बुधवार की देर रात से ही कभी हल्की कभी तेज तेवर दिखलाती बारिश का सिलसिला गुरुवार शाम तक बरकरार था। वही शहर की धावंडा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ नजर आया। बहरहाल आगामी 28 जुलाई तक चलने वाले इस कर्फ्यू से लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ जाने से जनता बेबस है और बाहर मंडरा रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शहर तथा तहसील के लोग घर पर रहकर किसी तरह दिन गुजार रहे हैं। हालांकि इस बीच लोग स्थिति में दवा की पर्ची लेकर मेडिकल और दवाखानों का रुख करते दिखाई दिए तो कहीं गैस सिलेंडर घरों तक पहुंचाने वाले वाहन, मरीजों को लाती ले जाती एम्बुलेंस सेवा का संचार भी शुरू था। कुल मिलाकर शहर भर में जारी कर्फ्यू की सख्ती से कोरोना मरीजों की संख्या में प्रभावी रूप से गिरावट आई और दोबारा बाजार और कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो, ऐसे उम्मीद शहर के हर जिम्मेदार और पारिवारिक शख्स को है। देखना होगा कि इस मुश्किल में लोगों की उम्मीद और उलझनों के साथ ही कोरोना संक्रमण की स्थिति आगे किस तरह की करवट लेती है। इन बीच न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।